पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हत्याओं पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। बंगाल में जब से दीदी सत्ता पर काबिज हुई अपराध चरम पर है। आए दिन बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी जाती है और ममता बनर्जी खामोश रहती हैं। वहीं धार्मिक हिंसा भी राज्य में बढ़ता ही जा रहा है। ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लिए एक विशेष धर्म को खुली छूट दे दी है, जिसकी वजह से हिंसा भड़की रहती है। ममता बनर्जी से अपना राज्य नहीं संभल रहा है और वो दूसरे राज्यों पर निशाना साधती रहती हैं। जिसके बाद कुमार विश्वास ने ममता को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या बंगाल संविधान से बाहर हो गया है, और दीदी आप तो वामपंथियों की सत्तारूढ़ क्रूरता और अराजकता झेलकर मुख्यमंत्री बनी थी, फिर दूसरी राजनीतिक वैचारिकी के प्रति इतनी असहिष्णुता कैसे? इतिहास से नहीं तो भविष्य से तो डरो दीदी, वो किसी सत्ताधीश का नहीं। कुमार के इस ट्वीट का लोगों ने भी समर्थन किया है। एक यूजर ने इस ट्वीट पर कमेंट किया है कि एक कुमार ही हैं जो सभी पार्टियों के सत्ता के गलत कामों की आलोचना करते हैं और अच्छे कामों की तारीफ, बाकी ये जो आशुतोष जैसे राजनीतिक विश्लेषक तो अन्ना आंदोलन के नाम को धब्बा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कुमार विश्वास पहले भी बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर ममता को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर ममता बनर्जी को कुछ नहीं दिख रहा है। वहीं कुमार विश्वास के अलावा बंगाल में राजनीतिक हत्याओं पर पूरे देश के सभी राजनीतिक दल ममता बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।